गाइस इंडियन बैक ड्राइविंग थ्रेडी गेम में मेरे को मिला एक सीक्रेट स्पिन व्हील भाई, जिसको स्पिन करने के बाद हमारे यहाँ पे जो भी सुपर हीरो आएगा भाई हम उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट भाई इस स्पिन व्हील को लेने के लिए ना हमें यहाँ पे कुछ खतरनाक से मिशन दिए जाएंगे भाई, उसको कम्प्लीट करना पड़ेगा। ओके भाई हम ये अपनी मिशन वाली जगह पे भाई स्पॉन हुए डायरेक्ट, एंड यहाँ पे हमें ये पार्कर कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। ओके भाई छोटा मोटा पार्कर तो होगा भाई, तुम्हारा भाई यूं ही कंप्लीट कर लेगा इसको। तो अब देखो गाइस मैं ये नहीं जानता भाई कितना लंबा ये पार्कर है, एंड भाई अगर मैं जरा सा भी भाई नीचे गिरा ऊपर से मुझे दोबारा से भाई ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड भाई ये बार बार फोन को निकाल ले यार फ्रैंकलिन, एक तो भाई फ्रैंकलिन ना भाई गिरता बहुत है, इसलिए भाई मुझे बहुत संभाल के चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो भाई यहाँ पे आराम आराम से भाई ये तो हमने इजिली कम्प्लीट कर लिया भाई। वैसे फिलहाल तो अभी ये पार्कर मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो उसमें नहीं लग रहा, बट आगे मैं नहीं जानता भाई कैसा होगा। तो भाई चलो भाई चल के देखते हैं फटाफट। यहाँ तो भाई हम सीधा सीधा भागेंगे, एंड भाई ऊपर दोबारा से एक क्लाइम करने के लिए यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ चुके हैं भाई, इनको ऊपर क्लाइम कर करके हमें यहाँ पे जाना है। तो भाई चल भाई जल्दी चल भाई आराम आराम से भाई, फिलहाल तो मैं चढ़ गया भाई, फिलहाल तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। बट भाई आगे भाई इतना ज्यादा पतला सा रास्ता भाई, इसके ऊपर मैं कैसे कूदूंगा यार और चलूंगा कैसे भाई इसके ऊपर। भाई जरा सा पैर फिसला तो भाई मैं तो सीधा नीचे गिर जाऊंगा यार आराम से। फ्रैंकलिन भाई इस बार मत गिरिएगा, इस कहां पे जाके खड़ा हुआ है फ्रैंकलिन भी भाई आराम से भाई चलो। ये तो भाई छोटा रास्ता था इसलिए भाई इजीली एक कूद मार के भाई कंप्लीट हो गया, बट भाई पता नहीं भाई आगे कितना ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। तो भाई यहां से हम ऊपर जाना है क्या भाई, यहां पे ये क्यों लगा रखी है। अच्छा भाई इनको ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, बट वैसे इनको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे अलग से रास्ता यहाँ पे दिया हुआ है और इसके ऊपर फिर से हमें यहाँ पे एक जंप मारनी पड़ेगी। एंड भाई ये जंप में अगर कुछ भी मिस हुआ तो भाई सीधा नीचे जाने वाला हूँ। तो भाई आराम से भाई सीधा भाई एक जंप, एंड भाई अब जंप मारने को बोला था भाई, गिरने को नहीं बोला था। चलो कोई नहीं भाई, एटलीस्ट भाई यहाँ पे हम सेफली लैंड तो हो गए, एंड भाई पता नहीं अभी कितना ज़्यादा पार्कोर अभी बचा है। तो यहाँ से तो फिलहाल भाई मेरे को सीधा सीधा जाना, एंड वेट भाई मेरे को आगे कुछ खतरनाक सी चीज़ दिखाई दे रही है भाई। यहाँ पर हमें अब इन डस्टबिन को ऊपर भाई चल के जाना पड़ेगा, और भाई ये देखो मतलब इतने ज्यादा पतली स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं गिरा गाइस सोचो अगर मैं यहाँ से भाई गिरा तो भाई दोबारा से भाई नीचे से मुझे इतना ऊपर आना पड़ेगा। बट चलो कोई बात नहीं भाई, ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है भाई हम नहीं गिरे भाई। एक तो फ्रैंकलिन भाई गिरता बहुत है भाई, इसको आराम से भाई चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। कूद जा भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ पे एक और जंप मारेंगे यहाँ से, एंड हम थोड़ा भाई डिस्टेंस में रहकर जंप मारेंगे, एकदम चिपक के जंप नहीं मारेंगे भाई, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े आराम से भाई यहाँ पे भी ये जंप और भाई कूद यार क्या कर रहा है भाई, कूद नहीं रहा, चलो कूद गया। एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिक नहीं कूद रहा भाई, मतलब मुझे जंप का बटन दबाना पड़ रहा है, कभी कभी ऑटोमेटिकली भाई चढ़ जा रहा है इसके ऊपर। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, अभी तो गिरा नहीं भाई, आराम से भाई पहुँच गया। गाइस चलो फाइनली ये तो कम्प्लीट हो गया, बट अब ये सीधा भाई ऊपर पहुँच जा भाई, बिना गिरे भाई गिरी हूँ मत। ओ भाई अब भाई गिर कैसे गया ये, जिसका मुझे डर था गाइस वही हुआ। एंड अभी मैं दोबारा से भाई तो ऊपर चढ़ के आया हूँ भाई, अब मत गिरी यार, अभी इतना मुश्किल से भाई मैं चढ़ के आ रहा हूँ भाई, बस कम्प्लीट हो जाए ये वाला। तो भाई आराम से भाई, नहीं गाइस नहीं, आराम से गाइस बच गया भाई, बच गया यार। तो यार आराम से चढ़ भाई फ्रैंकलिन भाई, ये गिरता बहुत है एक तो, इसलिए भाई मेरे को डर लग रहा था भाई। आराम से चल भाई, आराम से चल, एंड आराम से जंप मारो भाई, एकदम ही भाई आराम से जंप। एंड यहाँ पे भी आराम से भाई गिरियो मत, बस गिरियो मत। ओ भाई गाइस हो गया फाइनल कंप्लीट। अब भाई ये एक और पतला सा रास्ता आ गया, चलो भाई ये तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बस सीधा सीधा हमें यहाँ पे जो है चल के जाना है। एंड सामने की साइड गाइस दोबारा से जंप आ गई भाई, यहाँ पे दोबारा से हमें क्लाइम करके भाई चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ये एक बार क्लाइम किया, एंड भाई क्लाइम करने में मेरे को डर लग रहा है कि क्लाइम करते वक्त अब मैं नीचे ना गिर जाऊँ। बड़े आराम से मुझे गाइस यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, एंड भाई बड़े आराम से चढ़ियो भाई, आराम आराम से गाइस, बड़े ही आराम से जाऊंगा मैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाने गाइस। यहाँ पे देखो साइड से, इधर की साइड से भी मैं गिर सकता हूँ, तो मुझे भाई बहुत ही ध्यान से चढ़ना पड़ेगा ऊपर। गाइस देखो यहाँ पे भी ना रास्ता ओपन है साइड में, एंड भाई फाइनली ये वाला भी लगता है भाई कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे जंप मार भाई हो गया कम्प्लीट। एंड अभी गाइस दोबारा से पतला एक और रास्ता आ चुका है, एंड भाई इस पर भी आराम आराम से हम बड़े आराम से इस वाले रास्ते को भी कम्प्लीट कर लेंगे। एंड भाई उसके बाद अब यहाँ पे हमें ये स्टेयर्स है, तो भाई इन स्टेयर्स से जो है हमें सीधा सीधा यहाँ पे ऊपर जाना है। तो भाई चलो आराम आराम से भाई ऊपर चलेंगे, यहाँ तो भाई इजीली हो जाएगा ये तो। तो भाई चलो हो गया, एंड यहाँ पर हो गया, एंड इसके ऊपर हमें क्लाइम करके भाई सीधा ऊपर चढ़ जाना है। ओके भाई इसके ऊपर क्लाइम करेंगे, देन इसके ऊपर क्लाइम करेंगे, एंड भाई पहुँच गए भाई यहाँ पे। भाई आगे का भाई मेरे को थोड़ा सा भाई यहाँ पर खतरनाक सा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे ये कंटेनर्स भाई रोटेट हो रहे हैं, इन कंटेनर्स के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो भाई जब कंटेनर इधर आएगा तब मैं इसके ऊपर जंप मारूंगा एकदम से। ओके भाई तो यहाँ पे कंटेनर आ चुका है, एंड भाई फटाफट से भाई यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी, यहाँ पे मैंने ज़रा से भी जल्दबाजी दिखाई तो भाई मैं सीधा नीचे जाऊँगा। और सोचो गाइस अगर मैं अब की बार यहाँ से नीचे गिरा तो भाई कितना ज़्यादा दोबारा से मुझे यहाँ पे कंप्लीट करके आना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता भाई मैं यहाँ से नीचे गिरूँ, इसलिए गाइस मैं आराम आराम से बिना किसी जल्दबाजी के यहाँ पे इसे कंप्लीट करूँगा। तो भाई देखो यहाँ पे जो है हमारी
वाला कंटेनर इधर की साइड जैसे आएगा मैं इसको यहाँ पे जो चला जाऊंगा। ओके भाई चल भाई चल आराम आराम से चल। एंड भाई उसके बाद ये भी मैं जो है रनिंग करके भाई फटाफट हो जाएगा। एंड भाई सामने की साइड एक कंटेनर दोबारा से भाई इधर की साइड आएगा तो उसका वेट करना पड़ेगा। ओके भाई देखो ये वाला कंटेनर अभी इधर की साइड घूमेगा। एंड भाई देखो ये अभी कंप्लीट होने वाला है कंटेनर वाला पार्ट। तो भाई यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इसके ऊपर अभी फटाफट से कूद जाएंगे। एंड सामने भी भाई देखो ये वाला कंटेनर आएगा जब इधर की साइड, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हम इसके ऊपर यहाँ पे जो है जंप मारेंगे। एंड भाई मेरे को डर भी लग रहा है गिर ना जाऊँ। एंड उसके बाद ये एंड भाई डन हो गया भाई हो गया यहाँ से जंप नहीं मारनी भाई आराम से भाई। जल्दबाजी नहीं दिखानी यार, जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब हो जाएगा मेरा। गाइस देखो मैंने यहाँ तक तो अपने पार्कोर को भाई कंप्लीट कर लिया। एंड भाई वहाँ पे मैं एक बार नीचे गिर गया था बट मैं वहाँ से तो आगे ऊपर चढ़ के दोबारा, बट अगर मैं दोबारा यहाँ पे गिरता हूँ ना तो भाई मेरे को दोबारा तो ज्यादा लंबा पार्कोर कंप्लीट करके आना पड़ेगा। चलो गाइस अब ये अगला वाला है। तो गाइस यहाँ पे हमें इसको ऊपर चढ़ना है एंड यहाँ पे ऊपर जाना है। ओके भाई ऊपर जाना है, ऊपर ही जाना। एंड अभी इन स्टेज को ऊपर चढ़ के हमें सीधा ऊपर जाना होगा। तो गाइस चलो फटाफट से भाई इसको ऊपर चढ़ते भाई आराम से चढ़ेंगे बिल्कुल ही। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ते हैं। एंड भाई उसके बाद अगले वाले पे चढ़ते हैं। एंड गाइस उसके बाद फिर अगले वाले पे चढ़ेंगे। एंड बस हो गया भाई स्टेयर्स खत्म। अभी देखते हैं भाई स्टेयर्स के बाद भाई हमें कहाँ जाना है, बिकॉज मेरे को भाई आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज यहाँ पे एक कंटेनर, यहाँ पे एक देखो आप देख सकते हो कुछ घूम रहे दो कंटेनर, तो यहाँ पे भाई थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है भाई कि यहाँ से किधर जाना है। ऊपर रास्ता तो वैसे मेरे को दिख रहा है कि ऊपर ही जाना है, बट यहाँ पे जाऊंगा कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे हमारे स्टेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे इन कंटेनर्स को ऊपर चढ़ना है क्या हमें गाइस? यहाँ पे देखो ऊपर रास्ता तो है एंड ये इन कंटेनर्स के थ्रू मेरे ख्याल से भाई हमें यहाँ से ऊपर जाना भाई। यहाँ पे चढ़ना है क्या? नहीं यहाँ पे तो नहीं चढ़ना है, यहाँ से तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं भाई यहाँ से नीचे क्यों गिर रहा है? नीचे गिर गया देखो भाई। अरे गाइस बच गया। तो मेरे को क्या लग रहा है अभी हमें ना इन कंटेनर्स के थ्रू हमें ऊपर जाना है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये कंटेनर जैसे ही नीचे आएगा तो इस तरीके से हमें जो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं। यहाँ पे जैसे कंटेनर्स जो है एकदम सही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे उसके बाद हम तुरंत ही भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो अभी ये कंटेनर जो इधर की साइड रोटेट होने वाला है तो ये नीचे गया। एंड भाई अभी गाइस हमें चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो गाइस फटाफट से चल भाई फ्रैंकलिन, अब रुकियो मत, बस जल्दी से यहाँ से हमें चढ़ना है इसके ऊपर। एंड उसके ऊपर इसके बाद एंड भाई गाइस हो गया, गाइस कंप्लीट हो गया ये। कितना ज़्यादा नीचे से मैंने उसको स्टार्ट कर रहा था एंड अभी हम टॉप पे आ चुके हैं। एंड मेरे ख्याल से भाई अभी ये पार्कोर भाई होने वाला है कंप्लीट। एंड भाई यहाँ पे अभी इसके ऊपर भाई बड़े आराम से चढ़ेंगे भाई, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। एंड अभी ये पार्कर भाई एंडिंग स्टेज में आ चुका है। तो गाइस अभी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद गाइस हम सुपर हीरो बन पाएंगे। आई मीन गाइस हमें वो स्पिन व्हील घुमाने के लिए मिलेगा एंड उसमें जो भी सुपर हीरो हमारा आता है भाई हम वो सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट वेट भाई ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है मेरे को। दोबारा से हमें इन डस्टबिन को ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। एंड भाई अभी मैं नीचे भी इन डस्टबिन को ऊपर से ही गिरा था तो भाई दोबारा से हमें इनको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ओह गाइस यहाँ पे बड़े आराम से गाइस थोड़े डिस्टेंस में हम जंप मारेंगे। तो गाइस यहाँ पे दोबारा जंप हो गई। एंड भाई उसके बाद गाइस ये एक तो गाइस ये डायरेक्शन इनके चेंज हो रखी है। गाइस देखो कैसे घूम रखे हैं भाई इधर उधर, तो भाई थोड़ा दिक्कत हो रही है भाई। बच गया गाइस, चढ़ गया मैं तो फाइनली। तो भाई मुझे लगता है भाई हमारा ये पार्कोर हो चुका है कंप्लीट। तो भाई चलो फटाफट से भाई ऊपर चलते हैं। एंड भाई यार बड़े ही मुश्किलों से हमने ये पार्कोर को भाई कंप्लीट कर लिया। एंड भाई फाइनली पार्कोर कंप्लीट हो चुका है। गाइस यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट भी आ चुका है। तो गाइस फाइनली हमने पार्कोर को कंप्लीट कर लिया एंड अभी हम स्पिन व्हील को घुमा के सुपर हीरो बन पाएंगे। ओके तो भाई यहाँ पे हमने व्हील को स्पिन करते एंड देखते हैं हमारा कौन सा सुपर हीरो हम बन पाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन आ चुका है। एंड ये क्या भाई, मैं तो यहाँ पे सही में स्पाइडरमैन बन चुका हूँ। एंड भाई मैं स्पाइडरमैन बन के प्ले करने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। एंड भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।